वेलकम बैक टू परचम, आई एम पूजा। आज हम साइंस की सीरीज में अगला अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर। आप लोगों ने जो भी वनडे एग्जाम देखे दिए होंगे, इनफैक्ट अभी जो RRB NTPC का CBT 2 होने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है टेंटिवली जो है वो मई में वो एग्ज़ाम्स होंगे। तो जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे साइंस के पोर्शन से ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो विथ न्यूमेरिकल इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आते हैं कि एकदम रॉकेट साइंस है और आपको एकदम साइंटिस्ट बनाना, बिल्कुल बेसिक जो हमारी डेली लाइफ के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, जैसे कि एक कबर्ड है उसको आप इतना फोर्स धक्का दे रहे हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सेलरेशन क्या है, मतलब इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो हम उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, हम पावर के न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ SSC कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है, जो कि परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, SSC GA कोर्स, जहाँ पे आपको GA के सारे सब्जेक्ट मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक GK कवर कराया गया है विद MCQs, और जो PYQs होते हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। चाहे तो आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ स्टूडेंट है केवल साइंस में दिक्कत है, तो साइंस अकेले का इंडिविजुअल कोर्स भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है? परचम के एप्लीकेशन पे और परचम की वेबसाइट पे, ओके है। साथ ही साथ अभी जो होली सेलिब्रेशन वाला वीक चल रहा है ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर आपके लिए कोड भी था, कोड 12, जो कि मैंने अपने CA में बोला था अगर इसका यूज़ करोगे तो 12% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा हमारे कोर्सेज में SSC में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वर्क एनर्जी और पावर। अगर आज के क्लास का PDF आपको चाहिए तो परचम की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से इस PDF को ले पाएंगे। तो वर्क एनर्जी और पावर, देखो साइंस में वर्क का मतलब और हमारे डेली लाइफ में वर्क का मतलब बहुत अलग अलग होता है। हमारे हिसाब से तो अभी आप ये आधे घंटे के लेक्चर के बाद बहुत थक जाएंगे और मम्मी कहेंगे कि कोई काम कर दो, और बोलोगे नहीं मम्मी आज तो बहुत काम हो गया है, थक गया हूँ, अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ये आपके अकॉर्डिंग वर्क होगा, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये तो ज़ीरो है, ये तो वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। तो पहले हम समझते हैं कि वर्क क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो देखिए एक पर्सन है, इसने एक ब्लॉक को फोर्स लगाकर उसको खींचा, उसको पुल किया, तो उस बॉक्स में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऑब्वियसली किसी चीज़ को अगर आप धक्का दोगे, खींचोगे, तो क्या होगा? पुश या पुल करोगे, तो आपका वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, उसको ही हम वर्क डन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे रूम में एक वॉल है और सुबह से उस वॉल को मैं धक्का दे रही हूँ, मेरी वॉल तो खिसकी ही नहीं, 1 सेंटीमीटर भी शिफ्ट नहीं हुई, मतलब मेरा वर्क डन क्या है? ज़ीरो है। मतलब अगर आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ, और डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो है। बात क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क डन होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वर्क डन भी ज़ीरो होता है। इज़ दैट क्लियर? अब आप खुद ही समझ पा रहे होगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ऑब्जेक्ट में तो आपका वर्क भी क्या हो गया? ज़ीरो। चलो अब इसकी यूनिट निकालते हैं, तो फोर्स आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो लगाओगे ना, या पुश करोगे या पुल करोगे, है कि नहीं? तो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क होता है, क्लियर। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर वर्क होता है। लेकिन इसकी SI यूनिट हम क्या पढ़ते हैं? इसकी SI यूनिट हम पढ़ते हैं जूल। तो वर्क की SI यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी, या फिर हम इसकी यूनिट न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। चलो अब इसका MLT फॉर्मूला और निकालना सीख लेते हैं। चलो न्यूटन मतलब फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब किलोग्राम और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे? MLT-2। MLT-2 तो फोर्स होता है, और आपका वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब MLT-2, और एक और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ऐड हो गई, तो MLT-2, ये वर्क डन का MLT फॉर्मूला होता है। और अगर अभी का जो RRB पेपर हुआ है आप उसे उठाकर देखिए, वहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया था कि
वर्क और एनर्जी का MLT फार्मूला क्या है? तो वर्क और एनर्जी दोनों का MLT फार्मूला सेम होता है, विच इज़ ML2T-2। तो इसको एकदम याद रख लेना है। एक क्वेश्चन आपका, आपके जो यूनिट्स होती हैं स्केलर है या फिर वेक्टर हैं या फिर आपका MLT फार्मूला से, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनना तय होता है। तो वर्क क्लियर हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो अब आगे इसको थोड़ा सा डेफिनेशन और एक्सटेंड करते हैं। अब इस व्यक्ति ने फोर्स लगा के इस बॉक्स को खींचा, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया और यहाँ पर सरफेस के साथ एक एंगल भी बन रहा है जिसको आपने थीटा लिखा है। तो पूरा फॉर्मूला हो जाता है FD cos थीटा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? तो इन फिजिक्स वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज जीरो, जैसे कि पुशिंग अ वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला देख लिया FD cos थीटा। अब देखिएगा, अगर हमें कॉस की वैल्यू तो पता है ना कि कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो जो होता है वो वन होता है कि नहीं। साथ ही साथ अगर हम कॉस 90 की बात करते हैं तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम कॉस 180 की बात करते हैं तो आपका आंसर माइनस में चला जाता है कि नहीं। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने कॉस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला है FD cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू रखोगे जीरो तो कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो आंसर हो जाएगा FD तो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव यहाँ पे आया ही नहीं। 45 रखते हैं, अगर FD cos 45 रखते तो कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो भी ये पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन तो हो जाएगा जीरो। बचा कौन, 180, तो 180 की वैल्यू माइनस वन हो जाती है। तो अगर आपने यहाँ पर 180 थीटा की वैल्यू रखी है तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो कोई भी एंगल आपसे पूछ लिया जाए आप बता देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ये चीज़ें? आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन। अब देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट था जिस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है और फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो 5 × 5 = 25 ना, तो 250 आप यहाँ पर देखेंगे न्यूटन मीटर या जूल जो है वो आपका वर्क डन हो जाएगा। क्लियर हो गया? 250 कैसे आया, हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन होता है। फोर्स 50 न्यूटन था और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ, तो 5 × 5 = 25 और ये 0, तो 250 न्यूटन मीटर या फिर जूल आपका वर्क डन हो जाएगा। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, FD cos थीटा, सब कुछ सॉल्व कर लोगे, बड़ा आसान है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है वो आपका क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाती है। इट यूनिट इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क, इसकी भी एनर्जी और वर्क की दोनों की यूनिट सेम होती है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, और ML2T-2 यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ज़रा समझिए, अब कोई काम आप कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो हर एक काम को करने के लिए एनर्जी लगती है, येस और नो? अगर कहीं भी किसी भी चीज़ में एनर्जी लग रही है तो वर्क डन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉल है हाथ में, मेरे पास एक बॉल है, मैं बॉल को पकड़ी हुई हूँ और मैंने बॉल को ज़ोर से फेंका है स्टंप पे और स्टंप गिर गया, हो गया, मतलब उस बॉल में एनर्जी थी और उसने स्टंप को गिरा दिया, मतलब वर्क डन हो गया। तो जहाँ एनर्जी होती है वहाँ वर्क डन होता है, और जहाँ वर्क डन कर रहे हो आप वहाँ एनर्जी लगेगी। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे, पुल करोगे, वर्क डन होगा, एनर्जी आपकी लगी। इसलिए वर्क और एनर्जी आपको साथ में दिखाई देते हैं और इनकी यूनिट भी आपको सेम दिखाई देती है, विच इज़ ML2T-2। क्लियर? अब एनर्जी को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसको कम्बाइनली हम मैकेनिकल एनर्जी का भी नाम दे देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई भी चीज़ जब मूव हो रही है, चल रही है, हवा चल रही है, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जब मूविंग होती है तो मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी एसोशिएट होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ट्रेन चल रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, देखो हिंदी में बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो कोई भी चीज़ जब मूव होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है।
पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हिंदी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो कोई भी चीज़ जो स्टेशनरी है, जो रुकी हुई, जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ एक जगह, तो मेरे पास कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में बॉल थी, मैं बॉल को पकड़ी हुई हूँ, तो बॉल को जब मैं पकड़ी हुई हूँ तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और उस बॉल को जब मैंने फेंका तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और विस्टम से टकराई और वर्क डन हो गया। यही होता है। तो कोई भी चीज़ जब स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, और कोई भी चीज़ जब मूविंग होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस तरीके से दो प्रकार की एनर्जी हमारे पास है। एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नदी का पानी, रिवर का पानी फ्लो हो रहा था, नदी का पानी बह रहा था, तो कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डैम बना दिया। क्या बना दिया, मैंने एक डैम बना दिया और पानी को स्टोर कर लिया। जो स्टोर वाटर, उसमें कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब मैंने क्या किया, एक टरबाइन ली और टरबाइन की जो ब्लेड्स थी ना, उस पर इस पानी को गिराया, तो टरबाइन की जो ब्लेड्स है वो रोटेट होने लगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी बन गई। और जब टरबाइन की प्लेट्स घूमने लगी तो आपको क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बनी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोड्यूस हुई, हुई कि नहीं। तो आपने क्या किया, बेसिकली हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट होते, तो आप उसमें इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में, फिर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। तो एनर्जी ना ही आपने डिस्ट्रॉय की है, ना ही आपने क्रिएट की है, बस एक फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म एनर्जी में आपने कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तो देखे ही होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद आपका बल्ब ग्लो करने लगा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ भी आपने एनर्जी को क्या किया है, इसका कन्वर्शन किया है, ना कि इसको डिस्ट्रॉय किया है, ना ही क्रिएट किया है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। अब एक डिवाइस का नाम मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो एक फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस डिवाइस का नाम भी याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एक साइकिल वाला आ रहा था और साइकिल वाला अब बेचारा धीरे धीरे ही चलेगा ना, मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो चल रहा है साइकिल वाला। वही एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन तो 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है। तो आपने देखा कि जो स्लो चल रहा है मतलब उसमें एनर्जी कम है, जो तेज़ चल रहा है उसमें एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन किससे हो जाएगा, वेलोसिटी से। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वेलोसिटी के। कोई चीज़ धीमी चल रही है तो उसमें एनर्जी कम है, कोई तेज भाग रही है, तेजस ट्रेन ले लिया हमने, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर होगा। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। अब ये कह रहा है कि v जो है वो 2v हो गया है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी देखिए 1/2 एम 2v स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो 1/2 एम इसको लिख दोगे 4v स्क्वायर, तो ये 1/2 एम वी स्क्वायर और ये एडिशनल 4 हो गया, मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ गई, बिकम 4 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा कि नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि वेलोसिटी को हाफ कर दो, वेलोसिटी को डबल कर दो, मास को दुगना कर दो, मास को आधा कर दो, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है विच इज़ 1/2 एम वी स्क्वायर, इसका यूज़ कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी होता है तो उसमें जो स्टोर एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है आपकी हाइट पर। किस पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है एम जी एच, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी इज़ द ग्रेविटी विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो फिक्स्ड है, और एच क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है।
ठीक है, मतलब मेरे पास एक बड़ा बॉल है, मैं पहली बार फर्स्ट फ्लोर में जाकर उस बॉल को फेंकती हूँ और फिर थर्ड फ्लोर में जाकर उस बॉल को फेंकती हूँ, तो इम्पैक्ट आप खुद समझ पाएंगे कि थर्ड फ्लोर से हमने बॉल को फेंका तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, तो उसने ज़मीन पे या फ्लोर पे ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है। तो हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी वेरी होती है, विच इज़ MgH, ठीक है। इसलिए तो ऊंचाई से जो है वो पानी को टर्बाइन पे गिराया जाता है क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि ये पर्सन है, वही पोटेंशियल एनर्जी होल्ड करके रखी और फिर इसने बॉल को छोड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये साइकिल चला रहा है, जब चला रहा है साइकिल तो काइनेटिक एनर्जी है, जब रुका वो तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं विथ डाइग्राम्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ड्यूरिंग द कोई भी इवेंट होता है ना, तो उसमें टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रिमेन रहेगी, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब आइए कुछ हम एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में एनर्जी कन्वर्जन के। आप लोग मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं, ऑब्वियसली करते होंगे, मैडम कैसा स्लीज़ा क्वेश्चन पूछ रही हो, बिल्कुल करते होंगे। तो माइक्रोफोन होता है मोबाइल फ़ोन में, तो माइक्रोफोन क्या करता है, हमारा जो वोकल कॉर्ड से साउंड एनर्जी, साउंड सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंटीना के माध्यम से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। तो हमारा माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप लोगों ने लाउड स्पीकर्स भी देखे होंगे, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस से साउंड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे दूसरा देख लिया आपने लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर जस्ट अपोजिट है, ये इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर देता है वापस से साउंड में, ठीक है। तो माइक्रोफोन ने साउंड को इलेक्ट्रिकल में किया, लाउड स्पीकर ने इलेक्ट्रिकल को साउंड में किया। अब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, बिल्कुल होता है, तो फोटोसिंथेसिस में भी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ये भी लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। घर में इलेक्ट्रिकल लैंप होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि बल्ब जलता है तो वो गर्म भी तो हो जाता है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों को जला रहे हो तो लकड़ियों को जलाने के बाद केमिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टीम इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। नाइक्रोम की कॉइल आपने उसमें देखी होगी। जियोथर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। थर्मोकपल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हीट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे डैम देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने देखा था इसका एग्जांपल। जनरेटर आपने देखा होगा, तो जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। विंड मिल आपने देखी होगी, तो विंड एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और विंड चल रही है तो उसमें क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, तो विंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड मिल में होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास एनर्जी के लिए। अब वर्क एनर्जी हो गया, अब आता है पावर। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क आर द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द पावर। आप लोग ने वो रीजनिंग का चैप्टर पढ़ा होगा, और उसमें क्वेश्चन होता है कि एक व्यक्ति एक काम को एक दिन में करता है, वही दूसरा व्यक्ति उसी काम को दो दिन में करता है, और पूछा जाता है कि इफ़िशियंसी किसकी ज़्यादा है, मतलब उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क से ही डिसाइड होती है उसकी पावर। तो पावर क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति पर्टिकुलर वर्क कितने टाइम पीरियड में करता है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की यूनिट अभी देखी थी जूल, टाइम की यूनिट अपन को पता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड पावर होती है, और इसकी ऐसा यूनिट हम वॉट भी लिखते हैं। तो पावर की यूनिट क्या हो गई, वॉट या जूल पर सेकेंड। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जूल पर सेकेंड को न्यूटन, अभी देखा था न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ये भी पावर है। तो जूल पर सेकेंड भी पावर है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी पावर है, और वॉट भी क्या है, पावर है। अब बात होती है MLT फॉर्मूले के बारे में, तो बड़ा आसान है, अभी आप लोग ने वर्क का MLT फॉर्मूला निकाला है, विच इज़ ML2T-2, राइट। टाइम मतलब टी, अब ये वाला टी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ML2T-3 हो जाएगा, तो ये इसका MLT फॉर्मूला होगा। तो ML2T-3 पावर के लिए MLT फॉर्मूला है, याद हो जाएगा, आसान है। चलो यहाँ पे लिखा है एवरेज पावर क्या होती है, टोटल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टोटल टाइम टेकन,
ठीक है, अब वॉट जो होती है वो बहुत छोटी यूनिट होती है, तो जनरली हम कमर्शियल पर्पस में, इंडस्ट्रीज़ में या पावर जनरेशन में हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो किलो वॉट होती है। तो वन किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट होता है। 1 kilowatt इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 watt होता है। अब आप लोगों ने डेफिनेटली बिजली के बिल तो देखे ही होंगे, है ना, जितना आप एनर्जी कंज्यूम करते हो उसके हिसाब से आपका बिजली का बिल आता है, मतलब जितनी kilowatt पावर को आप पर आर कंज्यूम करते हो वही आपका क्या है, एनर्जी है। मतलब kilowatt आर कमर्शियल यूनिट होती है पावर की, जिसको आप बोलते हैं यूनिट। बोलते हैं ना कितना यूनिट बिजली का बिल आया, तो वो बोल रहा है 60 यूनिट बिजली का बिल आया, 70 यूनिट बिजली का बिल आया। और हर एक रीजन में यूनिट के रेट भी अलग अलग होते हैं, कहीं पे एक यूनिट 10 रुपए की है तो कहीं पे एक यूनिट 15 रुपए की है। डिपेंड करता है लोकेशन क्या है, और डिपेंड करता है आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हो, या फिर पावर जनरेशन कहाँ से आ रही है ना। तो उन सारी चीज़ों पर यूनिट के रेट डिपेंड करते हैं। तो किलोवाट आवर ही आपकी यूनिट होती है। तो 1 kilowatt आर मतलब एक यूनिट का मतलब क्या है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। होता है कि नहीं, निकाल भी सकते हो, बड़ा आसान है। किलोवाट मतलब क्या हो गया, 1000, ठीक है। आर्स की बात करते हैं तो जनरली हम टाइम लेते हैं सेकेंड में, ये आर्स में है तो 60 मिनट और 60 घंटे ऐसा ही लोगे ना, तो ये हो जाएगा ना 3.6 × 10⁶ जूल। तो इसको आप निकाल भी सकते हो और याद रख लो डायरेक्ट, ज़्यादा अच्छा है, 3.6 × 10⁶ जूल 1 यूनिट या 1 kilowatt आर होता है। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। तो 1 kilowatt इज इक्वल टू 1000 watt हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही 1 megawatt इज इक्वल टू 10⁶ watt होता है, और 1 horsepower जो है वो 746 watt के बराबर होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लेते हैं आप किसी घर में रहते हैं और उस घर में आपके पास 2 bulb लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 2 bulb लगे हुए हैं, ठीक है। ले लिए हमने 2 bulb लगे हुए हैं, मान लेते हैं ये बल्ब जो हैं वो 2 watt का बल्ब है, ये भी 2 watt का बल्ब है, ऐसा हमने मान लिया, और 24 घंटे जल रहे हैं बढ़िया। बिजली का बिल पूछा है महीने का, तो देखिए 2 watt का एक बल्ब है, फिर दूसरा भी 2 watt का बल्ब है, तो ये हो गया 4 watt आपकी एनर्जी हो गई। अब 24 घंटे ये बल्ब जल रहा है, महीने में 30 दिन होते हैं, डिवाइडेड बाय कर दो 1000, क्योंकि आंसर क्या चाहिए आपको, किलोवाट आर में चाहिए, किलोवाट आर आपकी एनर्जी है कि नहीं है। तो यहाँ पे 24 घंटे हो गए, ये 30 दिन हो गए, और 4 वाट हो गया। 0 से 0 काट लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, यही आपकी किलोवाट पावर या आपकी यूनिट या आपकी एनर्जी आएगी। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, अगर टॉपिक समझ में आया है। यहाँ पे बोला है कि 60 वॉट का एक रेडियो सेट है जो 50 घंटे से जल रहा है। 60 वॉट का रेडियो सेट है जो कि 50 घंटे से जल रहा है, बताना इसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है इन किलोवाट में। ये वॉट है तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व करके आप मुझे बताओगे कितना किलोवाट या आर या कितनी यूनिट इस रेडियो ने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है। आंसर में ऐसा भी हो सकता है आंसर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, है ना, इस तरीके से भी। अरे सेम हो गया, इसको 5 कर लो, ठीक है। तो ये आंसर आप हमको दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कुछ इस तरीके से। आई होप आपको बिल्कुल छोटा सा टॉपिक विथ न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ओवरऑल डिस्कशन में आपको बस कुछ चीज़ें ही हैं, मैं शॉर्ट लिख देती हूँ यहाँ पे आपको जो याद रखने वाली चीज़ें हैं। पहला आपको याद रखना है वर्क डन इज इक्वल टू FD cos थीटा, यहाँ से आपका सारा कार्यक्रम हो जाएगा। वर्क और एनर्जी की आपको ML2 T-2 याद रखनी है। फिर आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी याद रखनी है विच इज़ 1/2 mv². फिर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी याद रख लीजिएगा विच इज़ mgh। देन आप याद रखेंगे पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, राइट। पावर के लिए आपने देखा था ML2 T-3, और किलोवाट आर को ही आप यूनिट बोलते हैं। तो ये कुछ बातें और ये चैप्टर ख़त्म। इतना छोटा सा है, कितने सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए, और कॉस थीटा की वैल्यू थोड़ा सा टिग्नोमेट्री में याद रखेंगे कि क्या क्या होती है ना, जिससे आप इस न्यूमेरिकल को स्पेशली सॉल्व कर सकें कि पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। ओके, तो थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ अपने साइंस के टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।